सैफ की दूसरी शादी के बारे में सुनते ही क्या बोली थी अमृता। पहली बार बेटी सारा ने किया खुलासा। सारा अली खान ने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। केदारनाथ और सिम्बा के बाद अब उनके पास फिल्मों की लंबी लाइन है। सारा की आने वाली फिल्म लव आजकल 2 है। इसके अलावा वो वरुण धवन के साथ फिल्म कुली नंबर 1 के रीमेक की शूटिंग कर रही है। हाल ही में सारा और उनके भाई इब्राहिम ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया है। इस मैगजीन से बात करते हुए सारा इब्राहिम और उनकी मां अमृता सिंह ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई दिलचस्प बातें शेयर की। अमृता ने इब्राहिम के बारे में कहा, इब्राहिम हमारे घर में एक पुराने लोगों की तरह है जो हमेशा शांत और जेंटल है। वह हर मुश्किल को एक मुस्कुराहट के साथ पार कर जाता है। लेकिन मुझे सारा और इब्राहिम दोनों से एक परेशानी है, ये दोनों बहुत ही लापरवाह हैं। सारा के बारे में बात करते हुए अमृता सिंह ने कहा, सारा बहुत ही अनुशासन में रहने वाली बच्ची है। वह सभी की बहुत ही इज्जत कहती है। वह अपने काम, दिमाग और शरीर को लेकर अनुशासित रहती है। मैं उसके खुद को बैलेंस रखने के रोज के प्रयासों को देखती हूँ। सिर्फ अमृता ही नहीं, इब्राहिम ने भी बहन सारा के साथ रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरा और सारा का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और बहुत ही कम लड़ाई करते हैं। अगर लड़ाई करते हैं तो वह फालतू की बातों पर होती है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वहीं सारा ने अपने पिता सैफ अली खान की दूसरी शादी के बारे में बात की। सारा ने कहा, जब बाबा और करीना की शादी थी तो मुझे याद है मेरी माँ मुझे लॉकर लेकर गई और सारी ज्वेलरी निकाल कर कहा था कि बताओ तुम्हें कौन से झुमके पहनने चाहिए। उन्होंने अब जानी और संदीप खोसला को कॉल कर कहा था, सैफ शादी करने जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि सारा सबसे खूबसूरत लहंगा पहने। सारा ने नवाब खानदान से ताल्लुक रखने पर भी बात की।